हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। आइए देखते हैं। रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन के अंतर्गत जो भी यहां पे हम लोग डेरिवेशन करेंगे वो सब प्योर रोलिंग मोशन के लिए होगा। तो यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे कोई रिंग या डिस्क या कुछ भी है ऑब्जेक्ट, और इस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट h है, और यहां से ये डिस्प्लेसमेंट कितना है यह से लिया गया है। अब ये रोल करते हुए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो रोलिंग इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग के लिए क्या है, फ्रिक्शन इज मस्ट, फ्रिक्शन अति आवश्यक है, मतलब फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा, बिना फ्रिक्शन के रोलिंग मोशन संभव नहीं है इंक्लाइंड प्लेन पर। जबकि हम लोग सरफेस पर पढ़ चुके हैं प्योर रोलिंग मोशन के लिए फ्रिक्शन आवश्यक है, बट रोलिंग मोशन के दौरान फ्रिक्शन आवश्यक नहीं है, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे फ्रिक्शन इज मस्ट, रोलिंग मोशन के लिए फ्रिक्शन क्या है, अगर आप चाहते हैं कि ये डिस्क रोल करते हुए नीचे आए तो ये फ्रिक्शन क्या है, मस्ट है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। अगर ये फ्रिक्शन इसका जीरो हो जाएगा तो ये सरक कर नीचे चलाएगा, तो रोलिंग वाला काम नहीं हो पाएगा, ध्यान दिया जाए। और दूसरा पॉइंट जो है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स ऑलवेज, इसका मतलब ये है अगर गेंद ऊपर से नीचे आ रही है तब भी फ्रिक्शन कार्य करेगा ऊपर की ओर, और नीचे से ऊपर जा रही है तब भी फ्रिक्शन कार्य करेगा नीचे से ऊपर की ओर, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन ये नीचे जाने की इसकी टेंडेंसी है, तो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। अगर कोई गेंद नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तब भी उसकी टेंडेंसी जो है नीचे आने की होगी, तो टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो ये सब बात यहां क्लियर कर लीजिए। तो अब हम लोग यहां की सहायता से पहले फ्रिक्शन फाइंड करेंगे, और मिनिमम फ्रिक्शन कब होगा तो ये सब फाइंड करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे आए तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, कब ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, इतना सब कॉन्सेप्ट हमें आज पढ़ना है। तो आइए यहां समझते हैं। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और इस पर नॉर्मल फोर्स एक लग रहा है ऊपर की ओर, और एक फोर्स लग रहा है एम जी नीचे की ओर, वेट पृथ्वी के केंद्र की ओर ये कार्य करेगा। ये जो ये प्लेन है ये थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा अगर हो जाएगा तो ये एम जी का ये कंपोनेंट एम जी का थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा। यस, तो अब देखा जाए इसके आधार पर फॉर लीनियर मोशन, लीनियर मोशन के लिए देखा जाए एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए सी ओ एम। तो नेट फोर्स नीचे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर ही आएगा, तो नेट फोर्स एमजी साइन थीटा माइनस एफ होगा, और ये एम ए के बराबर होगा, ये मतलब ये सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, क्योंकि ये टोटल ये गेंद है, बॉल है, डिस्क है, जो भी है, इसका मास को यहां माना गया कि ये सेंटर ऑफ मास पर है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हो जाएगा। यही सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन को हम रोलिंग एक्सीलरेशन भी कहेंगे आगे। हाँ, तो एक इक्वेशन ये है, यहां एफ एस लिखा है, एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्यों कहा गया है इस पर एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा जाए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए है कि ये प्योर रोलिंग का केस है, हर जगह हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे वो प्योर रोलिंग का रहेगा। प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, फिर भी इसकी टेंडेंसी क्या होती है, नीचे की ओर होती है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो उसके कारण से वहां पर क्या कार्य करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कार्य करेगा, ध्यान दें।
हाँ तो ये हो गया फार एंगुलर मोशन। फार एंगुलर मोशन जो हो जाएगा टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर कार्य करेगा, टार्क एफ इंटू फोर्स गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये गुणे आर हो जाएगा टाउ के स्थान पे इक्वल टू आई अल्फा। ये दूसरा रिलेशन हो गया। और एक और कांसेप्ट प्रयोग करेंगे फार प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन के लिए ए इक्वल टू आर अल्फा होता, हम लोग जानते हैं ए मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ आर अल्फा, यही टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो कहा जाता है, यही तो पैरेलल है इंक्लाइन प्लेन के, तो इसी के बराबर हो जाएगा। तो इन्हीं इन्हीं दोनों कांसेप्ट का इसमें हम लोग प्रयोग करके ये फ्रिक्शन हम फाइंड करना चाहते हैं। तो देखा जाए अगेन, अगेन मतलब पुनः इसे पहले वाले समीकरण लिखते हैं, अगेन एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए सी ओ एम के स्थान पे हम लोग निकाले हैं क्या आर अल्फा, तो यहाँ पे आर अल्फा रख दीजिए, कोई बात नहीं। फिर उसे उतार रहे हैं एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू एम, ये आर बाहर ले लिए तो एम आर हो गया, बचा अल्फा। अल्फा को समीक इक्वेशन टू की सहायता से हटा लिए, अल्फा के स्थान पर लिखे हैं एफ एस इंटू आर अपान आई हो गया है, एफ एस इंटू आर अपान आई हो गया है। यस तो अगली लाइन में क्या किए हैं, ये आर भी बाहर कर लिए थे, एम आर स्क्वायर एफ एस अपान आई है, इधर वाला सेम उतार लिए है ऐसे, तो यहां पे एफ एस आ गया। अब इस फ्रिक्शन को इसको उस तरफ ले गए हैं, तो यहां भी एफ एस है, यहां भी एफ एस है, यहां कॉमन ले लिए, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो आएगा क्या वन प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई, एम जी साइन थीटा बराबर इतना आया। यस तो एफ एस बराबर इतना अपान इतना हो जाएगा, यहां भी देखिए एफ एस, ये फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपान वन प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई हुआ। यस तो ध्यान दिया जाए यहां पे एलसीएम ले लेंगे, आई यहां चला जाएगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई, आई अपने प्रासिस अनुसार क्या ऊपर चला जाएगा, तो इसी को इस टाइप से लिखा गया एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा इन ब्रेकेट आई अपान आई प्लस एम आर स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, कौन फ्रिक्शन है, इतने फ्रिक्शन की रोलिंग प्योर रोलिंग के लिए हमें क्या है आवश्यकता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, इतने ही स्टैटिक फ्रिक्शन की हमें जरूरत है प्योर रोलिंग मोशन के लिए। यस अब कुछ और कांसेप्ट इसी के साथ ऐड करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना, लिमिटिंग फ्रिक्शन में हम लोग जानते हैं एफ एल इक्वल टू होता म्यू एन, तो एफ एल इक्वल टू म्यू एन के स्थान पे यहां देखिए एन को कौन नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा, तो एन के स्थान पे क्या लिखेंगे एम जी कॉस थीटा, तो एफ एल बराबर है एफ एल, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान होता है, तो मैक्सिमम मान होता है। और ये अब ये जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर इक्वल एफ एस, एफ एस के बराबर भी हो सकता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान एफ एस से बड़ा भी हो सकता है, तो इससे एक लिमिट हमें मिलेगा, इस सरफेस का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिट हम जानना चाहते हैं, को अधिकतम या न्यूनतम कितना होता है, इसकी सहायता से हमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला वहां भी मिलेगा। ध्यान दें एक तो ये फ्रिक्शन यहां से पता चलेगा, अब यहां देखा जाए एफ एल के स्थान पर लिखे म्यू एम जी कॉस थीटा ग्रेटर इक्वल एम जी साइन थीटा आई अपान आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो गया इसके स्थान पे ये वाला वैल्यू रखे। अब यहां हम देख रहे हैं एम जी दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा, किसके बराबर म्यू इज ग्रेटर इक्वल टैन थीटा आई अपान आई प्लस एम आर स्क्वायर हमारा आया, ग्रेटर इक्वल आया तो मिनिमम क्या होगा, ये कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा यहाँ पे ये मिनिमम का होगा, तो यहां से ये बराबर वाला पोर्शन ले लेंगे तो मिनिमम हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा वाला तो है ही है, यू मिनिमम इक्वल टू टेन थीटा इन ब्रेकेट आई अपान आई प्लस एम आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला अब आपको जानना चाहिए। ध्यान दें तो इसी की सहायता से यहां प्रॉब्लम हल हो सकता है। तो नोट में कुछ और समझ लिया जाए, जैसे एक ही अगर ऑब्जेक्ट यहां से रोल करते हुए नीचे की ओर आ रहा है लेकिन इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल थीटा है वो अलग अलग है तो क्या होगा, कम 30 अंश 60 अंश
इस टाइप से है, 75 रन इस टाइप से अगर दिया है तो क्या है। देखिए यहां क्या कह रहा है, अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है तो फ्रिक्शन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहां से देखिए अगर ऑब्जेक्ट वही है, मास रेडियस सब सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, एम आर सब सेम होगा, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन जो है क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने की वजह से वहां पे क्या कार्य करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कार्य करेगा। ध्यान दिया जाए तो ये जो फ्रिक्शन है ये थीटा पर तब डिपेंड करने लगेगा। देखिए यहां पे साइन जीरो मान जीरो जीरो कर देंगे तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थीटा का मान 30 अंश रखेंगे तो 1/2 यहां लिखेंगे, 60 अंश रखेंगे अंडर 3/2 लिखेंगे तो और थोड़ा ज्यादा हो गया। ये चीज है तो मान बढ़ता जाएगा, थीटा का मान बढ़ने पे फ्रिक्शन का मान बढ़ता चला जाएगा और थीटा का मान घटने पर फ्रिक्शन का मान घटता चला जाएगा। तो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन के अंतर्गत था, क्वेश्चन के अंतर्गत था तो ये कंसेप्ट हम आपके लिए ले आए ताकि कंसेप्ट में ही हर बात क्लियर हो जाए। यस, आगे ये लिखा है फ्रिक्शन अपोजिट ट्रांसलेशन एंड सपोर्ट रोटेशन। ये फ्रिक्शन जो है ट्रांसलेशन जो नीचे की ओर आ रहा है इसका तो विरोध करता है, इसके नीचे आने नहीं देना चाहता, लेकिन यही फ्रिक्शन ये रोल करने में क्या करता है, हेल्प भी करता है सपोर्ट भी करता है। तो ये रहा टोटल कंसेप्ट। तो यहां से ये फ्रिक्शन का एक फार्मूला हमको मिला और फ्रिक्शन ये हमें बताया कि गया कि थीटा अगर वही एक ऑब्जेक्ट है और एंगल इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शन जो है ज्यादा लगेगा, ये एंगल कम है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। तो ये कंसेप्ट यहां से समझना चाहिए आपको। और एक पॉइंट ये जेई में आए क्वेश्चन का आंसर है, समझ लीजिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए और फिर हम अब वेलोसिटी फाइंड करेंगे। हाँ विद्यार्थी, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन के अंतर्गत हम देखेंगे नंबर एक पहला वाला वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, डिस्क है, रिंग है, कुछ भी है, यहां इनिशियल कंडीशन में है, यहां से यहां तक पहुंचा तब उसका वेलोसिटी कितना होगा, बॉटम पर यहां पर पहुंच गया, तो ये फाइनल कंडीशन है। अब ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो हम तरीका अपना रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का अपनाना चाहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कब वर्क करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क ना कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क नहीं कर रहा हो। तो यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, यस। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात है तो ये फ्रिक्शन यहां पे है, फ्रिक्शन ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जितने ये फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हुए भी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है मान लेते हैं अगर, और उसके द्वारा वर्क डन जीरो है, तब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो विद्यार्थी ध्यान दिया जाए, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो आएगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो होगा। जब जीरो होगा तो हम यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, यही चीज आपको कहना। वैसे भी विद्यार्थी आप देखेंगे, मान लेते इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स एफ लगा, लेकिन अगले क्षण ये पॉइंट तो ऊपर चला जाएगा, तो जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन द्वारा वर्क कहां से आएगा। मान लेते हैं आप किसी ऑब्जेक्ट पर आप तिर्यक ही फोर्स लगाते हैं इस टाइप से, तो हम लोग इसका क्या लेते हैं, कंपोनेंट ले लेते थे एफ कॉस थीटा। अरे इतना फोर्स तो कार्य करता था इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहां पे तो फ्रिक्शन यहां कार्य कर रहा है ऊपर की ओर, और ये पॉइंट उठ के ऊपर चला जाएगा, पॉइंट उठ के ऊपर चला जाएगा, तो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन की वजह से नहीं हो रहा है यहां पे,
तो ये चीज कहना है। तो यहां ये कंसेप्ट हम लिख दिए हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम क्यों लगाए हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख दिए हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज जीरो, दस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, दिस इज द रीजन फॉर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये चीज हम अपनी लैंग्वेज में लिख दिए हैं विद्यार्थी। अब हम लोग अब पता चल गया कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां लगाया जा सकता है क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू क्या है, जीरो है। अब आगे देखा जाए अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो वहां इनिशियल कंडीशन में यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू यहां फाइनल, यहां पे आ गए तो यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो यू इनिशियल वहां हाईएस्ट पॉइंट पे देखा जाए केवल पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच लिखा है। और जब यहां पे आ गया फाइनल पोजीशन पे बॉटम पे आ गया तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तो, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे भी बढ़ रहा है रोल करते हुए और ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो जाहिर है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा इसके पास, यस, क्योंकि ये रोल करके आ रहा है, तो ये हो गया। तो एम जी एच यहां से लिखा गया, हाफ एम वी स्क्वायर यहां लिखा गया, हाफ आई ये फॉर प्योर रोलिंग मोशन, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, जब सरफेस मोशन नहीं कर रहा होता है तो उसकी कंडीशन होती है ओमेगा इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपॉन आर, तो ये वेलोसिटी मतलब सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी है जिसे इसमें हम लोग इस टॉपिक में हम लोग रोलिंग वेलोसिटी कहेंगे। तो ये ओमेगा के स्थान पे वी अपॉन आर यहां पे रखा गया है, देखिए इतना हो गया। अब देखिए ये दो जो है हम इधर इसमें गुणा कर दिए, दो से या कहिए दोनों तरफ गुणा कर दिए तो यहां खत्म हो जाएगा, तो टू एम जी एच इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस आई वी स्क्वायर अपॉन आर, इतना आया। अब हमको वी चाहिए तो जाहिर है कि वी स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिए, वी स्क्वायर कॉमन ले लिए और एम से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, वी स्क्वायर इन दोनों में कॉमन ले लिए, यहां एम आता है ना तो ये एम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो एम अपान एम एक हो गया और यहां एम से डिवाइड करेंगे तो एम रह जाएगा, आई अपान एम आर स्क्वायर आ गया, यहां से ये चीज आ रहा है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच अपान ये पूरा हो जाएगा यहां पे, टू जी एच अपान वन प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर आ गया। तो वी क्या है, वी क्या है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है जिसे इस टॉपिक में हम लोग क्या कहेंगे, रोलिंग वेलोसिटी, तो रोलिंग वेलोसिटी इक्वल टू आया अंडर रूट टू जी एच अपॉन वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये हमारा मेन फार्मूला आया, यस। अब आगे देखते हैं, एक है वेलोसिटी व्हेन बॉडी स्लाइड्स, इसका कंपैरिजन करने के लिए, अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सरक कर आता, और ये जो इस दिशा में फिर सेंटर पृथ्वी के सेंटर की ओर जो एक्सीलरेशन है जी है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसी दशा में एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा हो जाएगा। तो जो लोग इसका डेरिवेशन हमें आता है वी स्लाइड इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, ये जानते होंगे कहां से आया है आप लोग, अगर नहीं जानते होंगे तो यहां हल्का सा देख लीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, यस ये होता है। तो यहां पे ये वेग चाहिए, अगर स्लाइड कर रहा है सरक रहा है यहां पे फ्रिक्शन नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी यहां से रेस्ट से शुरू किया था, देखिए रेस्ट से शुरू किया था और यहां पे वी हो गया है प्लस ट्वाइस ए के स्थान क्या प्रयोग करेंगे, जी साइन थीटा, और एस के स्थान पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन एस होता था, एस बराबर एच अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, इससे ये कट गया, देखो आ गया v स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, तो v बराबर अंडर टू जी एच, वी क्या है स्लाइड है, ये तब फार्मूला आया है जब ये सरक कर आ रहा है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब यहां देखिए, अब इनमें वैल्यू रखिए, यहां पे देखिए v स्लाइड यहां लिखा है v स्लाइड इज ग्रेटर देन v रोलिंग, तो इसका मान इसके अगर वो रोल करके आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और अगर सरक कर आता है तो उसकी स्पीड क्या, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो जाहिर है कि ये बहुत तेजी से आएगा यहां तक, तो ये ज्यादा हो जाएगा, वी स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन वी रोलिंग। और आपको अगर कंफ्यूज होता है तो यहां पर तो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा सरक कर उतनी ही स्पीड से आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा क्योंकि मोमेंट ऑफ, अब यहां तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, डिस्क है तो कितना होगा,
अगर डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एक बड़ा दू इधर आएगा, तो एक धर बड़ा दू, तीन बड़ा दू, दो ऊपर जाएगा, तीन नीचे रह जाएगा। अगर यहां रिंग ले लेते हैं तो एम आर स्क्वायर बटे एम आर स्क्वायर कट जाएगा, इतना बटे आधा हो गया, इतना बटे दो, मतलब अंडर रूट जीएच आ रहा है, तो घट रहा है कि नहीं। अलग अलग ऑब्जेक्ट लेंगे तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, तो इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रख के देख लो हमेशा इसकी वेलोसिटी, मतलब इस रोलिंग की वेलोसिटी स्लाइडिंग से क्या आएगा, कम आएगा, ये सत्य है। हाँ, इसके स्थान पर अंडर टू जी एस के स्थान पर यहां रोलिंग लिख सकते हैं, सॉरी स्लाइडिंग लिख सकते हैं, तो वी रोलिंग इज इक्वल टू वी स्लाइडिंग अपॉन अंडर रूट वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। मतलब ये सब संभव है, ये मैं कह रहा हूं, तो जितनी संभावना बन सकती थी उतना हम आपको बता रहे हैं। यहां तक हमारा ये कंसेप्ट हो गया, और ये कैसे आया ये हमने यहां से बता दिया आपको। एक चीज जो यहां पे है सबसे जरूरी, इसको ध्यान देना चाहिए, न्यूमेरिकल के लिए मैं घेर रहा हूं, ये सब न्यूमेरिकल में आए हुए है जो यहां नोट में लिखा है। व्हेन ए रिंग डिस्क हॉलो स्फीयर एंड ए सॉलिड स्फीयर रोल ऑन सेम इंक्लाइंड प्लेन देन इनके वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। हाँ, तो यहां देखिए वी सॉलिड स्फीयर, अब यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख रख के सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, आप देखिए किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। देखिए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर कहां पे है, सॉलिड स्फीयर रिंग डिस्क हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, यहां देखिए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सेम मास सेम रेडियस की बात हो रही है, देखिए क्या है, सेम इंक्लाइन प्लेन, सेम मास सेम रेडियस का ही ये ऑब्जेक्ट है सब, और ये तो सेम होगा। आई देखिए, आई जिनका कम होगा, देखिए सॉलिड स्फीयर का आई कम है तो वेलोसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। इन चारों में अगर कंपेरिजन करते हैं, रिंग में, डिस्क में, हॉलो स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, सबसे कम, 2 अपॉन 5 mr² हो जाएगा, तो mr² कट जाएगा, तो 2 अपॉन 5 आएगा, यहां जोड़ेंगे तो 7 अपॉन 5 होगा, तो 5 ऊपर जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, सबसे ज्यादा आएगी। इन चारों में अगर यहां सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा आएगी, रखकर देख लीजिए तभी आएगा। सॉलिड स्फीयर का डिस्क लिखा है, दूसरे नंबर क्या है, डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ यहां रखोगे तो एम आर स्क्वायर कट जाएगा, एक धने बड़ा दो, तीन बड़ा दो, तो दो ऊपर चला जाएगा, तीन नीचे रह जाएगा। अब आगे आइए, यच, वी यच है, यच मतलब हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर जो है, हॉलो स्फीयर को होता है 2/3 mr², तो ये रखेंगे, और यहां पर रखेंगे रिंग, रिंग देखिए मोमेंट ऑफ रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होती है, इसमें सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी है, रिंग की है, यस रिंग की है, तो mr² कट गया, तो एक धन एक दो आया, तो इसका जो है वेलोसिटी क्या आएगा, आप देख रहे हैं सबसे कम आ रहा है, इसका आधा हो जाए, मंडल मतलब अंडर रूट जीएच की ओर बच रहा है बेचारा, इतना कम आ रहा है, सबसे कम आ रहा है। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सब कुछ सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस ऑब्जेक्ट की सबसे कम रहेगी वो ऑब्जेक्ट यहां पे सबसे तेजी से आएगा, यस, इससे ये निष्कर्ष निकलता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, अब हम इसके एक्सेलरेशन का स्टडी करेंगे। हाँ विद्यार्थी, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन के अंतर्गत पढ़ा जाए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो अगर ये चिकना सरफेस है ऐसी दशा में ये जो एक्सेलरेशन होगा स्लाइडिंग एक्सेलरेशन वो जी साइन थीटा होगा इस सरफेस पर, यस, लेकिन ये चिकना सरफेस नहीं है और ऑब्जेक्ट को रोल करते हुए आना है तो जाहिर है एक्सेलरेशन दूसरा होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन या रोलिंग एक्सेलरेशन वो होगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास, ये चीज होगा। लेकिन अब ये चीज यहां पे कैसे फाइंड किया जाए ये देखा जाए, तो जैसे क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड कर चुके हैं हम, तो हम ये फार्मूला लगा दे रहे हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, यस रोलिंग वेलोसिटी हम फाइंड कर चुके हैं, वी स्क्वायर अगर लगा है तो रूट नहीं लगाएंगे,
तो हो जाएगा 2gh अपान 1 प्लस h अपान एम आर स्क्वायर, 2gh अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, इतना आया। इनिशियल वेलोसिटी यहां कितना माना गया, जीरो, जीरो से शुरू करता है, ये हो गया। ट्वाइस ए, ए ये सेंटर ऑफ मास का भी एक्सीलरेशन है और यही एक्सीलरेशन है, रोलिंग एक्सीलरेशन भी इसे कहेंगे। और यस यस इक्वल के स्थान पर लिखेंगे एच अपान साइन थीटा, क्योंकि वैल्यू हम एच में चाहते हैं। तो यहां से देखें जिनको ये प्रॉब्लम है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यहां से हाइपोटेनियस यहां चला जाएगा, साइन थीटा नीचे चलाएगा तो ये चेहरा मिलेगा, तो एस के स्थान पर यह रखा गया है। अब यहां पर देखिए 2h यहां पर भी है, 2h इस साइड है तो हटा दिए, तो यहां हटा दिए और a अपान साइन थीटा को इस तरफ लिख लिए हैं और यहां g अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर को इस तरफ कर दिए हैं। अब a सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, इसे ही यहां पे क्या कहते हैं, रोलिंग एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि रोल करके प्राप्त हो रहा है ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास वाला। तो a रोलिंग इक्वल टू ये साइन थीटा से यहां गुणा कर दीजिए, देखिए तो जी साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका रहा फार्मूला जो हम फाइंड करना चाहते थे, ये तो रोलिंग एक्सेलरेशन का आया फार्मूला। अब है एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी स्लाइड्स, एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी स्लाइड्स, तो ए स्लाइडिंग इक्वल टू जी साइन थीटा, हम आपसे बता रहे हैं कि वो अगर सरकते हुए आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा होगा। तो ध्यान दें, अब फिर कह रहा है स्लाइडिंग एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन रोलिंग एक्सेलरेशन। अब ये कैसे, ये ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख रख के देख लो, ये तो सबके लिए एक ही होगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो सब एक ही स्पीड से आएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा तब भी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए जिसका सबसे कम होगा, सबसे कम किसका है, सबसे कम दुबड़ा 5 एम आर स्क्वायर, दुबड़ा 5 एम आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का होता है तो 2/5 यहां पे रखेंगे, आई के स्थान पे 2/5 एम आर स्क्वायर कट जाएगा तो 2/5 आएगा, तो 5 × 5 = 7/5, तो 5 ऊपर जाएगा 7 नीचे रहेगा। यस ये चीज है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है और इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा आएगा। और आप अब रखिए सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का, रिंग का एम आर स्क्वायर होता है तो एम आर स्क्वायर बटे एम आर स्क्वायर कट जाएगा 1 × 2, तो ये आएगा 2 आएगा, इसका आधा हो गया, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा यहां पे। तो ये वैल्यू रख रख के देख लेंगे, खुद पता चल जाएगा, इसमें कोई आशंका वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन इस हमेशा वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, स्लाइडिंग से ये वैल्यू हमेशा कम आएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका आप जानते हैं 2-3 कंपेरिजन करके, तो आप देखेंगे कि हमेशा ये वाली वैल्यू रोलिंग एक्सेलरेशन का मान स्लाइडिंग एक्सेलरेशन से कम आएगा, प्रैक्टिकली आप देखिए। और वैसे भी आप जान लीजिए यहां फ्रिक्शन अगर जीरो हो जाएगा जब सरक कर आएगा, तो सरक कर आएगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और सरक कर आने पर जब वेलोसिटी ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, कहीं से भी आप सोचेंगे तो कंसेप्ट कटने वाला नहीं है। अगर फ्रिक्शन है तो जाहिर है कोई एक्सेलरेशन कम होगा। यस तो जी साइन थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, स्लाइडिंग एक्सेलरेशन, तो ए रोलिंग इक्वल टू ए स्लाइडिंग अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। यस तो इस फार्मूले में अंडर रूट नहीं है, वेलोसिटी वाले में क्या था, अंडर 2gh करके था 1 प्लस आई अपान, लेकिन हर में वो वैल्यू जो है नीचे वाला सेम है। हाँ विद्यार्थी ये नोट समझ लिया जाए, नोट मैं बार बार लिख रहा हूं, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही लाभदायक है। व्हेन ए रिंग डिस्क हॉलो स्फीयर एंड ए सॉलिड स्फीयर रोल ऑन सेम इंक्लाइंड प्लेन, देन सॉलिड स्फीयर की एक्सेलरेशन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है, ये कॉन्सेप्ट। और दूसरे नंबर पे कौन है, डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा होता है और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, और लास्ट में क्या है, रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है तो रोलिंग एक्सेलरेशन सबसे कम आएगा। यस ये चीज हमें आपको बताना, वैल्यू रख रख के आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग टाइम की स्टडी करेंगे।
हाँ विद्यार्थी, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन के तहत हम लोग अब स्टडी करेंगे टाइम टेकन बाय द रोलिंग बॉडी टू रीच द बॉटम। तो मतलब कोई बॉडी यहां से कहां बॉटम तक पहुंच गया तो कितना टाइम लगा, ये चीज हमें आपको बताना है। यस, तो ऐसा फार्मूला लगाया जाए जिसमें टाइम भी हो। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस के स्थान पे हम लोग बार बार लिख चुके हैं, यस अपॉन साइन थीटा होता है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से जीरो आया। हाफ ए मतलब रोलिंग एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रोल करते हुए आ रहा है। रोलिंग एक्सेलरेशन हम लोग अभी निकाले हैं जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, और टी तो हमें फाइंड करना है, टी स्क्वायर अपने स्थान पे रहेगा। अब देखते हैं, यहां से देखते हैं त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, इनका यहां गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा टू एच और इन ब्रेकेट वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, इसका यहां गुणा और इसका यहां, और साइन थीटा से यहां गुणा करिए तो ये आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर। यस, इतना आया। अब टी स्क्वायर इक्वल टू इतना अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा, देखिये टी स्क्वायर इक्वल टू ये टू एच इन ब्रेकेट वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर बटे हो जाएगा अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा, इतना है। तो ये टाइम क्या है, ये रोल करते हुए आ रहा है वो टाइम है यहां पे, तो इसे रोलिंग टाइम कह देते हैं हम, टाइम रोलिंग। देखिए जब रूट लगाएंगे तो वन अपॉन अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा होगा तो वन अपॉन साइन थीटा को क्या कर लिए, बाहर कर लिए, उसका वर्गमूल निकल जाएगा। अंडर रूट टू एच अपॉन जी यहां रहेगा, इन ब्रेकेट वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर रहेगा। तो ये है टाइम रोलिंग का फार्मूला। तो टी रोलिंग इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा अंडर रूट टू एच अपॉन जी इन ब्रेकेट वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर आया। इसे आपको लर्न करना होगा। ये तो रोल करके हुए आया तो इतना टाइम लगा। अब देखते हैं व्हेन बॉडी स्लाइड्स, अगर बॉडी क्या स्लिप करते हुए आ रहा है, सरक रहा है तो क्या होगा। अगर ये बॉडी सरक रहा है तो यहां फ्रिक्शन नहीं है तो यहां रोलिंग वाला एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। यहां पे सरकने वाला जो एक्सेलरेशन होगा इस प्लेन इंक्लाइंड प्लेन पे वो जी साइन थीटा होगा। तो यहां से देखते हैं यस इज इक्वल टू यूटी, यही फार्मूला फिर लगाइए, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस मतलब यस अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो नहीं लिखा गया है। हाफ एक ऐसा हम क्या प्रयोग करेंगे, स्लाइड वाला एक्सेलरेशन जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से फाइंड कर लेते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू ये दो से यहां गुणा हो जाएगा, बाकी जी साइन थीटा नीचे आएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू टू एच अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा। ये टाइम कैसा है, ये स्लाइड करते हुए आ रहा है वो टाइम है, स्लाइड करते हुए जो आ रहा है वो टाइम है। तो यहां लिख दिए क्या टी स्लाइडिंग। यस, तो ये जब अंडर रूट लगाएंगे तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यहां भी होगा तो उसका वर्गमूल बाहर निकल जाएगा वो वैल्यू। यस, तो वन अपॉन साइन थीटा अंडर रूट टू एच अपॉन जी आया, स्लाइडिंग टाइम आया। रोलिंग वाला टाइम स्लाइडिंग टाइम से हमेशा ज्यादा है, मतलब जितना है अब तक हम लोग पढ़े हेडिंग एक्सेलरेशन वेलोसिटी वहां पे स्लाइडिंग वेलोसिटी स्लाइडिंग एक्सेलरेशन रोलिंग वाले से क्या था, ज्यादा था। अब की बार रोलिंग वाला ज्यादा है टाइम, जब रोल करते हुए आएगा तो उस पर फ्रिक्शन वर्क करेगा तो जाहिर है टाइम यहां से यहां तक आने में ज्यादा लगेगा, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा स्लिप करके आएगा तो टाइम क्या लगेगा, कम। तो यहां से वो कंसेप्ट के तहत भी समझ गए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्लाइडिंग टाइम तो आपका यही फार्मूला हमेशा रहेगा, यही रहेगा। अब आप यहां पे रख के देख लीजिए वैल्यू, मान लेते हैं चलिए रिंग रखते हैं, रिंग का एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर कट गया तो एक धन एक कितना आया, दो आया, दो से गुणा करना पड़ेगा तो टाइम बढ़ नहीं गया रोलिंग का, रिंग का देख लीजिए। और अगर ये रिंग सरक कर आ रहा है तब तो यही फार्मूला लगेगा। तो अगर ये स्लाइडिंग के रूप में फार्मूला लिखना चाहें तो देखिए इसी में इतने के स्थान पे क्या लिख दें, टी रोलिंग इक्वल टू टी स्लाइडिंग इन अंडर रूट में वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये कांसेप्ट है। अब लास्ट नोट में एक और देख लिया जाए, फिर वही चीज, व्हेन ए रिंग डिस्क हॉलो स्फीयर एंड ए सॉलिड स्फीयर रोल ऑन द सेम इंक्लाइंड प्लेन देन अब की बार जो टाइम लगेगा सबसे ज्यादा किसका, रिंग का लगेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा होगा। देखिए अब जो है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा होगा उसका टाइम रोल करने में क्या लगेगा। मान लेते हैं कई ऑब्जेक्ट है सेम ऐसे
रोल करने के लिए छोड़ दिया गया तो उसका टाइम, रोलिंग टाइम उसका सबसे ज्यादा होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे हमें ये पता चलता है। यस, और रोलिंग टाइम सबसे कम होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, ध्यान दिया जाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक न्यूमेरिकल देखा जाए। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप ए कर्व्ड सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी। इट रीचेज अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 3v² / 4g विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजिशन द ऑब्जेक्ट इज रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर एंड डिस्क। ध्यान दे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी से यहां इनिशियल वेलोसिटी v दिया, रोल करते हुए मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है। मैक्सिमम हाइट दिया है 3v² / 4g, यहां पहुंच जाता है। यस, रोल करते हुए यहां पहुंच जाता है। तो ये कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है जो यहां पे पहुंच जा रहा है। आई जेई 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्यार्थी, नीट लेवल का जितने भी सवाल है, बोर्ड लेवल जितने भी सवाल है, इतना अच्छा कांसेप्ट बताया गया है, बढ़िया आप पढ़ते हैं तो एक भी प्रॉब्लम फंसने वाला नहीं है। जेई लेवल का भी सवाल जो है यहां से गलत होने वाला नहीं, अगर ठीक से आप कांसेप्ट स्टडी कर लेते हैं। बहरहाल, तो यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। आपको पहले कांसेप्ट बताया गया है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वहां की सहायता से। ये इनिशियल है हमारा, वो फाइनल है। तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा यू फाइनल प्लस के फाइनल। ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां यू इनिशियल यहां पे जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहां नहीं है। अब ये टोटल इसके पास क्या, काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये आगे भी बढ़ रहा है और रोल भी कर रहा है, तो जाहिर दोनों काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू। और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो केवल कौन सी ऊर्जा होगी, इसके बाद एम जी एच होगी, और काइनेटिक एनर्जी तो अब बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पहुंच गया तो जीरो हो जाएगा। ये चीज है। अब वैल्यू को पुट करते हैं। यहां आया 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा का स्थान पे v अपान आर लिखेंगे प्योर रोलिंग की दशा में, तो v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। m कैपिटल लिखिए, तो हो जाएगा m g। एच के स्थान पे दिया है 3v² / 4g। एच हमको दिया हुआ है 3v² / 4g। अब यहां से हमें कैलकुलेशन करना है, तो इसको उस तरफ ले चलते हैं, इसको उस तरफ ले चलते हैं। यहां से देखिए जी जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचा 1/2 आई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां देखिए तो 3/4 एम वी स्क्वायर यहां बच रहा है, और ये 1/2 यहां पे है, 1/2 उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, तो 1/4 एम वी स्क्वायर आएगा यहां से। देखिए 1/2 आई वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो आर स्क्वायर से गुणा, और दो से और सरल हो रहा है, ये दो से और सरल हो रहा है, ध्यान दिया जाए। तो आई इक्वल टू आ रहा है, दो से सरल करें, दो दूनी चार, आर सुपर गुणा, तो आ रहा है 1/2 एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिस्क का है, तो आई डिस्क हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर। अब इसमें से ये देखना, जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ये किसका है, तो जाहिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना, 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। तो ये ऑब्जेक्ट कौन होगा, डिस्क होगा। ये जेई में आया क्वेश्चन है, जेई 2007 में आया क्वेश्चन है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन है, कंसेप्ट की सहायता से आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यस विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।
हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।